बड़ी परेशानी होती थी, राहगीर गिर के जुटाल हो जाते थे। आज जो है PWD डिपार्टमेंट और तमाम डिपार्टमेंटों ने काम शुरू किया है तो हमें खुशी हो रही है। दूसरा ये मेहनत जो है सभी समाज सेवियों की यहाँ पर रख लाई है, क्योंकि इस शहर के सामने रोड था, आज उसका जो है पैकिंग वर्क शुरू हो गया है और आगे आने वाले समय में पूरी सड़क जो है नए तरीके से बनाई जाएगी, इसके आदेश भी होने जा रहे हैं। सिटी रेलवे स्टेशन के सामने बड़े बड़े गड्ढे थे रोड पर और राहगीर निकलते थे, चोटें लगती थी। समाज सेवा मंच और जन सेवा मंच की टीम ने विरोध किया और जब विरोध किया गया तो अधिकारी जागे। जब जागे तो आज ये पैच का काम शुरू हो रहा है, यहाँ पैच लगाए जा रहे हैं, देख सकते हैं आप। और हमारी मांग है कि यहाँ सड़क डलवाई जाए, अभी पैच डल रहे हैं, डलने के बाद अब पानी बरसेगा वो फिर ख़राब होंगे, क्योंकि छोटी सी बहुत कम देख सकते हैं आप खाली से बिछा के खाना पूरी की जा रही है। हमारी मांग है जनहित में कि यहाँ पर पूरी सड़क बनना चाहिए और जिसमें कमीशन खोरी ना हो, ऐसी सड़क बनना चाहिए, मजबूत हो, जो 5 साल कम से कम चले। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। कहाँ रहते हैं आप? मैं रहता तो मनियारो गली हूँ, पर ये जो प्रॉपर्टी है जनाब अनीसुर रहमान साहब की, पुरानी प्रॉपर्टी है, 100 साल से ज़्यादा पुरानी प्रॉपर्टी है। इसके आगे लगातार 3 साल से यहाँ पर गड्ढे बने हुए हैं, सड़कें टूटी हुई हैं, नाले की भी हालत है। जो बना था वो बहुत बुरी क्वालिटी का बना हुआ है, अगर उसको हाथ लगाया जाए सही से, ज़रा सा भी ठोका जाए तो वो टूट के गिर जाता है। ये अभी बना है 6 महीने पहले। और बाकी सड़क की हालत ये है कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो बहुत पतली परत डाली गई है, जिसकी